शुरू करें हम लोग। ये लीजिए रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक। आज के कौन स्पीकर हैं दो? अरे एक सामने है मधुरमा जी है और अच्छा। एक राजेंद्र सिंह साहब है। आज आपके कार्यक्रम समापन एक महीने चला आपका, 30 सितंबर से चला, 1 अक्टूबर से समापन। आज समापन समापन नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगा है, कॉमा लगा है। फुल स्टॉप नहीं है अभी, अल्प विराम। रामजी लाल साहब कॉमा और सेमी कोलन ही केवल यूज करते हैं, नेवर फुल स्टॉप। ये किसी चीज का फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, उसको अनवरत निरंतर रखेंगे, कंटिन्यू कंसिस्टेंट। क्या बात है, सतत। देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं अच्छा है, सक्सेसिवली आप आगे बढ़ेंगे। आपके प्रयास सर बहुत मोटिवेट करते हैं और बहुत ही प्रेरणा मिलती है, आप इतनी लगन से लगे हैं। नमस्कार, बहुत अच्छा कर रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर। बहुत अच्छा। तो आज हम राय साहब शुरू करते हैं। हाँ सर, आज पांच हो गया, शुरू करें। नहीं नहीं बिल्कुल शुरू करिए। चलिए प्रिय बंधु, आज हम अपने इस वर्चुअल लेक्चर सीरीज के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं और हमें पता है कि हमने जिन स्पीकर ने आमंत्रित किया वो सब लोग आए और एक बहुत ही डिसिप्लिन ढंग से आए, समय से आए और अपनी बातों को सबके सामने रखी और ये हमारे इस कार्यक्रम की सफलता मैं कह सकता हूँ। और आज एक दिन हमने बढ़ा दिया था क्योंकि दो हमारे महत्वपूर्ण स्पीकर छूट रहे थे, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, एक दिन और सही। और को हमने कहा कि नहीं और बढ़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तो इसमें जो पहले स्पीकर हैं प्रोफेसर मधुरिमा प्रधान जी, ये लखनऊ विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष रही हैं और एक बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही कर्मठ ये मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग को इन्होंने एक नया आयाम दिया है और खास तौर से पॉजिटिव साइकोलॉजी को मूर्त रूप देने का काम मधुरमा जी ने किया है। विभाग में हैप्पीनेस लैब की स्थापना कर हैप्पीनेस के विभिन्न पहलुओं को लोगों के बीच में प्रस्तुत करने का एक सराहनीय कार्य किया है और इनकी बड़ी उपलब्धियां हैं। इनकी उपलब्धियों को गिनाने लगे तो बहुत समय लगेगा, बस इतना ही समझिए कि एकेडमिकली शी इज वेरी साउंड, शी इज वेरी वर्सटाइल और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है खास तौर से पॉजिटिव साइकोलॉजी के फील्ड में। तो ये आज का समापन हमारा ऐसे हस्तियों से हो रहा है जो अपने क्षेत्र के एक विशेषज्ञ हैं और वो एक मार्गदर्शन हम लोगों को देने का कार्य करेंगे। तो इन शब्दों के साथ प्रोफेसर मधुरमा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस मंच पर और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। प्रोफेसर मधुरमा प्रधान जी।
सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत आभार। यहाँ पर बहुत ही विद्वत जन उपस्थित हैं और उनके सामने अपनी बात, मुझे लगता है कि मुझे बहुत अभी आप लोगों से सीखना है। लेकिन मेरी अपनी जो जीवन यात्रा रही, जो मैंने विषय पढ़ा मनोविज्ञान का, मुझे रुचि रही, उससे मैंने जो कुछ भी पकड़ा, जो भी मैंने समझा, उसको मैं जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी। और निश्चय ही आप सबका फीडबैक और आप सबकी जो भी विचार होंगे वो मेरे लिए मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। ये जो वर्चुअल लेक्चर सीरीज आपने ऑर्गेनाइज की कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव के थीम पर, और पूरा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ मंथ आपने सेलिब्रेट किया, और इस मतलब पूरी मंथ सेलिब्रेट करना वास्तव में एक बहुत ही उसकी बात है, क्योंकि रोज आपको वही चीज करनी है और एक महीने तक आपने किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और जो भी आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं, सीमा त्रिपाठी जी, कुमार जी, आशीष पांडे जी, सभी को बहुत बहुत बधाई और पुनः एक बार आभार कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। और मैं अब आप सबसे अनुरोध करूंगी कि मुझे अनुमति दे मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी जी? यस मैम, विजिबल है मैम। हाँ ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक मैंने चुना है वो माइंडफुलनेस एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टाइम जो है वो एक बहुत बड़ी करेंसी है, एक बहुत बड़ी पूंजी है। हम धन खर्च करते हैं, लेकिन समय हम किस प्रकार से खर्च करते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे विचारों पे, हमारी भावनाओं पे, हमारे व्यवहार पे पड़ता है। तो जो समय हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो समय हम यूज कर रहे हैं, वो हम किस तरह से कर रहे हैं, कितनी जागरूकता से कर रहे हैं, कितनी माइंडफुली उस समय को हम यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही आवश्यक है। और हम सब ये जानते हैं कि टुडे वी आर लिविंग इन ए टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी, इट्स ए फास्ट पेस्ड सोसाइटी एंड वी विश टू अचीव मच इन ए लेस टाइम। हम सबको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा हम अचीव कर लें और कम से कम समय में। लेकिन इसके साथ ही एक ये आसान हो जाता है कि वी मे लूज साइट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोमेंट्स पासिंग इन फ्रंट ऑफ अवर आईज। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होके गुजर जाती है, हमें पता भी लगता कि क्या हमारे सामने से गुजर गया है। और इसके साथ ही एक ये बहुत बड़ा खतरा रहता है कि हम उन कामों में उलझ जाते हैं विच आर वेरी लेस मीनिंगफुल गोल्स एंड विच आर वेरी अनचैलेंजिंग गोल्स ऑफ अवर लाइफ। और इन गोल्स को परस्यू करते करते हम बहुत जल्दी बोर्ड फील करते हैं, एम्प्टी खालीपन महसूस करते हैं, और हमारा अपना जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो सफर होने लगती है। तो हमारी ये आदतें एक दिन में नहीं पड़ती हैं, धीरे धीरे करके कब हमारी आदत पड़ जाती है एक माइंडलेस जीवन जीने की, एक मैकेनिकली लाइफ लीड करने की, हमें पता भी नहीं लगता। तो कभी कभी हम ऐसी हैबिट्स के शिकार हो जाते हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं बट हम उनको छोड़ नहीं पाते। बहुत सी हैबिट्स जैसे कि माइंडलेसली टीवी देखते रहना, गॉसिप करना, सोशल मीडिया पे बहुत लंबे समय बिताना, माइंडलेस ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो बहुत सारी हैबिट्स हमारी बढ़ जाती है। तो ऐसे बिहेवियर हमें थोड़े समय के लिए तो हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं, लेकिन लंबे समय में हमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है और हम अपनी जो रियल लाइफ है उससे दूर होते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखना चाहिए, इसको अगर हम और गहराई से देखते हैं, क्योंकि हम सबके जीवन का लक्ष्य है खुश रहना, प्रसन्न रहना और हमेशा के लिए खुश रहना। क्योंकि जब बड़े लोग भी आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं सदा खुश रहो, तो सदा खुश रहना हम सब चाहते हैं, लेकिन हम जो भी हैबिट्स हमारी बन जाती हैं उसकी वजह से उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो साइकोलॉजी ऑफ डीपर एक्सपीरियंसेस है, साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस है, और जो कंप्लीट मेंटल हेल्थ का मॉडल है, वो ये कहता है कि हमें अगर अपने जीवन में खुश रहना है, अगर हमें कंप्लीट मेंटल हेल्थ को अचीव करना है, तो हमें अपनी लाइफ में कुछ डीप और सस्टेनेबल गोल्स, मीनिंगफुल गोल्स को परस्यू करना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ अचीव हो सकती है। तो जो रोड मैप है फॉर अचीविंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड लाइफ, फॉर अचीविंग द ऑप्टिमल एक्सपीरियंसेस इन अवर लाइफ, टू एक्चुअलाइज अवर ओन पोटेंशियलिटीज इज द माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस एक रास्ता बताता है कि कैसे हम अपनी
कंप्लीट मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं और हम लाइफ में हैप्पी और सेटिस्फाइड रह सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ और ये भी कहते हुए कि जो मानसिक स्वास्थ्य के जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव टू बी कनेक्टेड विद अवर कल्चरल रूट्स। और माइंडफुलनेस हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है। माइंडफुलनेस एक ऐसी परंपरा की बात करती है जिसमें कि हम अपने अंदर जो हमारी एक आनंद का स्रोत है, खुशी का स्रोत है, उससे हम जुड़ सकते हैं और एक कंप्लीट मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। सो अब इन शब्दों के साथ हम थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज माइंडफुलनेस और इसको किस तरह से समझाया गया है। माइंडफुलनेस का अर्थ ये है कि हम अपनी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में जागरूक होके, सचेत होके हम रहते हैं और हम अपनी लाइफ में जो भी आसपास घटित हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ नयापन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये होता है कि जब हम माइंडलेस होकर काम करते हैं तो हम अपने आप को एक जैसे ऑटोमेटिक पायलट की तरह, जैसे अपने एक मशीन में एक फीड कर दिया और वो अचानक अपने आप चल रही है, तो हमारी लाइफ भी कुछ ऑटोमेटिक पायलट की तरह हो जाती है और हम एक ट्रैप में फंस जाते हैं, एक रिजिड माइंडसेट के ट्रैप में, जिससे कि हम जो हमारे आसपास चेंजेस हो रहे हैं, व्हाटएवर इज गोइंग न्यू इन अवर लाइफ, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, rather we just try to control it, और ये control करने के लिए we just behave in a habitual way, in a mindless way, but ऐसा हो नहीं पाता, because we cannot control each and everything in our life, and it is just like a child who is trying to attempt to hold a kitten or a puppy. अगर एक बच्चा एक छोटे से पपी को या किटन को पकड़ता है तो जितना उसको होल्ड करता है उतना ही वो छटपटाता है। सेम इज हियर कि जितना ज्यादा हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हम माइंडलेस होते जाते हैं और उतना ही वो कंट्रोल नहीं हो पाती और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसके अलावा माइंडफुलनेस एक ऐसी लाइफ की बात करती है जिसमें हम जजमेंटल नहीं होते और हम रिजेक्ट नहीं करते प्रेजेंट मोमेंट को। लाइफ में जो भी इवेंट्स होती हैं उनका अपने आप में कोई मीनिंग इतना नहीं होता जितना कि हम उसमें इम्पोज करते हैं, और जो मीनिंग हम उसमें इम्पोज करते हैं उसकी वजह से हम जजमेंटल होने लगते हैं, और उस जजमेंटल होने से हमारे जो प्रेजेंट मोमेंट में जो समय समय पर चीजें बदल रही हैं उसको हम रिजेक्ट करते जाते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। और इसके लिए जरूरी है कि हम समय प्रेजेंट मोमेंट में रहें, क्या बदल रहा है, क्या चीजें चेंज हो रही हैं उसको देखें। इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने मान लिया कि एक व्यक्ति है वो बड़ा रूड है तो हमने उसको जज कर लिया, उसको देखते हैं कि आज भी ये रूडनेस ही करेगा, लेकिन हो सकता है कि वो बदल रहा हो, तो अगर हम उसको जज नहीं करेंगे तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जो बदल रहा है उसको नहीं देख पाएंगे और जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो भी नहीं आ पाएगा। तो माइंडफुलनेस हमको जो बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसके साथ हमको कनेक्ट करती है और जो हमारे अटैचमेंट्स हैं उससे भी हमको दूर करती है, क्योंकि जब हमारे एक थॉट पैटर्न सेट पैटर्न बन जाता है तो वी जस्ट गेट अटैच्ड टू दैट थॉट पैटर्न और उन थॉट्स के साथ हमारे इमोशंस अटैच हो जाते हैं, और जब इमोशंस अटैच होते हैं तो हमारा एक हैबिचुअल वे ऑफ बिहेविंग बन जाता है और उसी तरह से हम बिहेव करते जाते हैं, एक निश्चित तरीके से बिहेव करते हैं, कि जब हम उससे डिटैच होकर अपने आप को देखते हैं तो हम उसमें हो रहे बदलावों को देखते हैं। जैसे कि इसको एक और हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि जब हम ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं तो हमको गुस्सा आ रहा होता है, वी आर इन दैट ट्रैफिक जाम, बट अगर हम उसी ट्रैफिक जाम को एक बालकनी से देख रहे होते हैं तो वो ट्रैफिक जाम भी हमको अच्छा लगता है, तो हम उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं या हम एक डिटैच स्पिरिट से दूसरे एक ऑब्जेक्टिव तरह से उस चीज को देख रहे हैं, दैट इज माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस जो है वो एक माइंडलेसनेस या ऑटोमेटिक पायलट के होने के से विरोधी है, और ये बताती है कि हम एक बिगनर्स माइंड से, एक नए दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं और परख रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दैट कि हम किसी नई चीज को देखते हैं तो वी आर फर्स्ट टाइम वी आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, बहुत ज्यादा हम उसके बारे में उत्सुकता रखते हैं, लेकिन जब हम उसके बारे में जान लेते हैं तो हम एक उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं कि हाँ ये चीज तो ऐसी ही होगी, अब इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज होना और इस बात की नॉलेज होना कि हमें सब कुछ आता है वो एक डेडलाइन ले आता है हमारी सेंसिटिविटी में। हम सेंसिटिविटी जब कम होने लगती है तो हम जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है उसको नहीं देख पाते। तो कोई भी चीज
जिसको कि हम कई बार देखते हैं, जैसे हम जिस रास्ते से गुजरते हैं उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, लैंडस्केप्स होते हैं, बहुत सारी ट्रीज है या कोई भी चीज है, हम उस पर ध्यान नहीं देते कि ये तो हमने देखा ही है। तो लेकिन हो सकता है वहां पर कुछ नया हो, बदला हो। तो चीजें जब बदलती हैं तब हम उसमें देख सकते हैं कि हम उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं, उसमें क्या रिचनेस है, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें क्या बदल रहा है। और जब हम बिगिनर्स माइंड से चीजों को देखते हैं तो हमारी बोर्डम भी खत्म होती है, क्योंकि उसमें कुछ नया हम देख रहे होते हैं। और ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे कि पानी लगातार बहता रहता है, नया होता रहता है, तो वो एक फ्रेश रहता है, लेकिन जब वो इकट्ठा हो जाता है तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो माइंडफुलनेस हमको नया करती है, इट इज एन एंटीडोट फॉर अवर बोर्डम। तो ये माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट है। और जब हम माइंडफुल होते हैं तो बहुत सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आने लगती हैं, जैसे कि हम नॉन जजमेंटल होते हैं, हम नॉन स्ट्राइविंग होते हैं, जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनसे हम मतलब लड़ाई नहीं करते, उसको हम बहने देते हैं, जो भी विचार आ रहे हैं वो आते हैं और चले जाते हैं। हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ वी वांट टू चेंज थिंग्स, इफ वी वांट टू एक्सेप्ट थिंग्स दैट जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम चेंज की तरफ भी बढ़ते हैं। अगर हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते तो वी कैन नॉट चेंज अवर सेल्फ, वी कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस। इसी तरह पेशेंस आता है, और धैर्य अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि अगर हम पेशेंस रखते हैं तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद अपने आप समय के साथ साथ ठीक हो जाती हैं। ट्रस्ट आता है, अपने अंदर हम विश्वास करना सीखते हैं। अगर हमसे कभी कुछ भूल हो गई, कमी हो गई, तो हम अपने आप पर विश्वास करते हैं कि आज अगर गलत हुआ है तो कल सही होगा। दूसरों पर भी विश्वास करते हैं। एक खुलापन आता है, ओपननेस आती है, जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं हम उनको हम लेट गो करते हैं। मान लीजिए किसी के प्रति गुस्सा आया तो हम उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक नोवेल्टी, एक जेंटलनेस, एक सॉफ्टर एटीट्यूड आता है, कंसिडरेट एटीट्यूड आता है, और हम जेनरस होते हैं, दूसरों को देते हैं अपना समय, एफर्ट्स, अपनी एनर्जी हम दूसरों को देते हैं, उनके अनुभवों के साथ जुड़ते हैं, एम्पैथाइज करते हैं, और जो भी हमें दूसरों से मिल रहा है उसके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं, कंपैशनेट होते हैं, दूसरों को फॉरगिव करते हैं, और इस तरह से हमारी लाइफ अच्छी होती है। और अगर हम एक और बात कहें कि हमें मेटाकॉग्निशन की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि थॉट्स आएंगे भी जाएंगे भी, हम ये नहीं कह सकते कि कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, या हम कभी जजमेंटल नहीं होंगे, हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी हम एक्सेप्टिंग नहीं होंगे, लेकिन हमें इस बात की जागरूकता होती है कि हम ऐसा कर रहे हैं। और अगर वो जागरूकता है, एक्सेप्टेंस है, तो हम चेंज होते हैं और हम बदलते हैं। और चूंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, माइंडफुलनेस क्या है हमने समझा, क्वालिटीज क्या है, अब उसकी प्रैक्टिस हम लोग कैसे कर सकते हैं। और अगर हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का एग्जांपल हमारे सामने आता है, बिकॉज गौतम बुद्ध ने इतने माइंडफुल थे कि उन्होंने अपने आसपास जो हो रहा था उसको देख के, उन्होंने जो भी दुख है, दुख क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इसके बारे में इतना रिफ्लेक्ट करा और चीजों को बताया कि कैसे हम दुख का निवारण कर सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि हम बैठ के गौतम बुद्ध की तरह, हर कोई गौतम बुद्ध नहीं बन सकता, ना उतना हम अपनी लाइफ को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम हमारी जो डे टू डे लाइफ है, जो हमारे मोमेंट गुजर रहे हैं, हम कहीं भी हैं, किसी भी समय पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम कुछ अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम माइंडफुल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी सेंसेशंस पे, अपने इमोशंस पे, अपने थॉट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, और उनको जानना है, समझना है, और अगर आप समझेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसमें अपने आप बदलाव आने लगेगा। और इसके लिए जैसे कि बुद्ध ने मेडिटेशन की बात की, तो प्रेयर भी जो है एक स्पिरिचुअल माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है, जिसमें हम अपनी बात को, अपने थॉट्स और इमोशंस को भगवान के सामने कह रहे होते हैं, और गॉड इज ए ग्रेट काउंसलर, उसके सामने अपने थॉट्स कह के, इमोशंस कह के हम बहुत हल्का फील करते हैं। तो ये भी एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। इसके अलावा माइंडफुलनेस को आप डिफरेंट एक्टिविटीज में भी रख सकते हैं, जैसे कि योग है, मेडिटेशन है, मार्शल आर्ट्स है, कुछ भी जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग, वॉक कर रहे हैं, तो उसके दौरान भी आप माइंडफुल हो सकते हैं।
जो माइंडफुलनेस की बात हमने की, लेकिन ये उतना भी कठिन नहीं है अगर हम इसको और गहराई में जाके समझते हैं तो। कोर माइंडफुलनेस स्किल्स को हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं कि ये एक इंटेंशनल प्रोसेस है और इसमें हमको क्या डेवलप करना है, हमें एक वाइज स्टेट ऑफ माइंड डेवलप करनी है, क्वेश्चन करने की आर्ट को डेवलप करना है, क्योंकि जब हम चीजों को क्वेश्चंस करते हैं तब हम उसको और गहराई से समझते हैं। एक स्किल डेवलप करनी है ऑब्जर्व करने की और एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करने की और उन अनुभवों के साथ पार्टिसिपेट करने की। इसके साथ ही स्किल डेवलप करनी है हाउ टू बिकम नॉन जजमेंटल, हाउ टू वर्क वन माइंड फुली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीजें हैं जिनको हम अब डिटेल में एक एक चीज को समझेंगे। जैसे कि वाइस स्टेट ऑफ माइंड की मैंने बात की, तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास माइंड के दो पहलू हैं, एक हमारा रीजनेबल माइंड है लॉजिकल माइंड और एक हमारा इमोशनल माइंड है। तो जो रीजनेबल माइंड है लॉजिकल माइंड है वो हमारा कूल है, रेशनल है और जो भी हम टास्क करते हैं इसकी तरफ फोकस करता है। इमोशनल माइंड जो है वो थोड़ा सा हॉट है क्योंकि उसमें इमोशंस आते हैं तो हम बहते हैं और बहुत सारी चीजों में एकदम तुरंत एक्शन में आ जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ अवर इमोशंस और हम मूड डिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशन फोकस्ड। लेकिन जो वाइस माइंड है वो विवेक जिसको कह सकते हैं विजडम, वो इन दोनों के बीच की स्थिति है। इंटेलिजेंस और विजडम दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इंटेलिजेंस तो किताबों को पढ़ के आप गूगल भी कर लेंगे या किसी तरह से कोई कोर्स कर लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे तो आप बहुत सारी इंटेलिजेंस अचीव कर लेंगे। लेकिन जो नॉलेज आप गेन करेंगे उस नॉलेज का करना क्या है, हाउ वी कैन यूज दैट नॉलेज इन अवर लाइफ टू बेनिफिट नॉट ओनली अवर सेल्फ बट अदर्स, दैट इज विजडम, दैट इज विवेक, जो कि एक वाइस माइंड की निशानी है। और जब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होती है तो ये वाइस माइंड डेवलप होता है और हम ये विवेक डेवलप करते हैं कि हमें किस तरह से अपने लाइफ में रहना है एंड हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द लेवल ऑफ अवर ओन मेंटल हेल्थ। दूसरी, अगर हम माइंडफुलनेस डेवलप करना चाहते हैं तो वी हैव टू डेवलप व्हाट स्किल्स एंड दैट इज द स्किल ऑफ ऑब्जर्विंग द थिंग्स। वी हैव टू नोटिस अवर बॉडी सेंसेशंस कमिंग थ्रू अवर आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, क्योंकि हमारी बॉडी एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है। जो कुछ भी बाहर घटित हो रहा होता है, जो हमारे थॉट चल रहे हैं, इमोशंस चल रहे हैं, हमारी बॉडी में तुरंत वैसे ही चेंजेस होने लगते हैं और हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसे हमारे थॉट्स होते हैं। तो हमारी सेंसेशंस क्या है ये हमको बताती हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे हैं और क्या हमारी टच हो रहा है, क्या हमें टेस्ट हो रहा है। तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, हमारी जो ये फाइव सेंस ऑर्गन्स है, दे आर द डोरवेज ऑफ अवर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो अगर हम इनसे जुड़ते हैं तो हम माइंडफुल धीरे धीरे होने लगते हैं और हमें अपने लाइफ में जो हमारा पर्पस है, प्रेजेंट मोमेंट है, उससे हम कनेक्ट होते हैं, अपने अटेंशन पे हम कंट्रोल कर पाते हैं, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, हमारा ध्यान बहुत इधर उधर दौड़ता, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, 60,000 थॉट्स दिन भर में आते जाते रहते हैं और हम उनसे लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन हम अगर माइंडफुल होते हैं तो उस पर एक स्टॉप, एक कंट्रोल लगता है और हम एक अपने माइंड को खाली कर पाते हैं। और जब हम खाली कर पाते हैं तब हमारे अंदर नए विचार आते हैं। तो वी हैव टू क्लीन अवर माइंड बिकॉज वी जस्ट प्रैक्टिस टू क्लीन अवर बॉडी, क्लीन अवर सराउंडिंग्स, बट वी डोंट प्रैक्टिस टू क्लीन अवर माइंड। सो व्हाट इज हैपनिंग विद अस, वी हैव टू बी ऑब्जर्वेंट, व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स आर कमिंग टू अवर माइंड एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दीज थॉट्स। हम बहुत जगह से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, गॉसिप करते हैं, इंटरनेट देखते हैं, आप मैगजीन्स पढ़ते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हमारे अंदर आ रहे हैं। तो बट वी हैव टू बी वॉचफुल कि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किस सोर्स से आ रहे हैं। और जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम अपना इनसाइड भी ऑब्जर्व करेंगे और आउटसाइड भी ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दोज थिंग्स, दोज थॉट्स एंड इमोशंस व्हिच आर कमिंग टू अवर माइंड। सो इसके बाद जो माइंडफुलनेस के लिए जरूरी है, दैट इज व्हाट स्किल, दैट इज द स्किल टू डिस्क्राइब द थिंग्स। जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम वर्ड्स में रखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, तो हम एक तरह से उससे कनेक्ट हो रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी,
जैसे कि मान लीजिए हमको गुस्सा आ रहा है और हम उसको कहते हैं कि आई एम फीलिंग एंग्री, आई एम फियरफुल, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं। और जब हम किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो हम उसको उसको समझ के उसमें फिर हम चेंज भी ला सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले जरूरी है कि हम उसको लेबल करें, जो ऑब्जर्वेशन किया उसको लेबल करें, वास्तव में हो गया रहा है हमारे साथ, व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या। जो मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स हैं वो भी उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जितना कि जो हम लोग लेबल करके उसको बड़ा बना देते हैं। तो प्रॉब्लम है क्या, वी हैव टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, और जब हम प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं तभी सोल्यूशन निकलते हैं, और हमारे जो इंटरप्रिटेशंस है, जजमेंट्स होते हैं, उनसे हम दूर होते हैं, ओपिनियन से दूर होते हैं, और इस तरह से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। तीसरी स्किल जो है दैट इज वी हैव टू पार्टिसिपेट, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी चीज में तो आपको उसमें एक बोर्डम नहीं होता, और एक तरह से आपका एक्टिव इंगेजमेंट जो है वो एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे नेगेटिविटी खत्म होती है और इंजॉयमेंट आता है। आप कोई भी काम करें, चाहे आप लिख राइटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, अगर आप उसमें पूरी तरह से इंगेज होते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, यू फील गुड, आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आते हैं। सो वॉट एवर वी आर डूइंग वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। बट आजकल क्या हो रहा है कि लोग इतनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली इंगेज्ड इन देयर वर्क। सुबह उठते हैं हम, आंखें खोलते हैं, जाग जाते हैं, बट इनफैक्ट वो जागना नहीं होता, और फिर हम अपने रूटीन में माइंडलेसली चलते जा रहे हैं, क्या खाया क्या किया कुछ पता नहीं। अगर पूछे कि आपने सुबह क्या खाया, आपने क्या किया, किससे मिले, क्या बात की, तो कुछ याद नहीं। मोबाइल आया, अपने फोन पे बात भी, व्हाट्सएप मैकेनिकली सारी चीजें की, बट वी डोंट इंगेज अवर सेल्फ इन दोज एक्टिविटीज। एंड अनलेस एंड अंटिल वी इंगेज अवर सेल्फ इन दोज एक्टिविटी, वी कैनॉट इंश्योर द फुल कम्प्लीट मेंटल हेल्थ। एंड when we participate in things we give a background, we give a ground for our wise mind to work, usko ek opportunity milti hai ki aap apni jo aapke andar kshamtaen hai uske anusar aap kaam kare aur you can go with the flow, aur usme aap judgmental hote hai, aap uske flow ke sath chalte hai. When we go with the flow then we have experiences of happiness and good mental health. फिर नॉन जजमेंटल होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है माइंडफुलनेस के लिए, क्योंकि जब हम चीजों को इवेलुएट करते हैं अच्छा या बुरा, तो हम कहीं पास्ट में हो रहे होते हैं या कहीं फ्यूचर में, प्रेजेंट में नहीं होते, और चीजों में एक ब्लॉकेज लगा देते हैं कि चीजें बदल नहीं सकती। अगर कोई इंसान कभी गुस्सा किसी ने कर लिया तो वो हमेशा ऐसे ही करेगा, या कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छा है, अगर बहुत बुरा है तो बहुत बुरा, ये चीजें ऐसी ही होती है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो अगर हम पहले से ही इवैल्यूएट कर लेंगे तो विल नॉट मेक एफर्ट्स, विल नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी अप टू सेल्फ और द अदर पर्सन टू चेंज। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लिव इन द मोमेंट, जस्ट लाइक ए ब्लैंकेट विच इज स्प्रेड ओवर द लॉन। जैसे कि एक ब्लैंकेट होता है, उसके ऊपर कुछ भी गिरता है, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड, तो वी हैव टू एक्सपीरियंस व्हाट इज कमिंग आउट इन द प्रेजेंट मोमेंट। वी हैव टू एक्नॉलेज अवर ओन वैल्यूज, अवर विशेज, व्हाट आर अवर ओन रिएक्शन, बट वी हैव आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी जजमेंट। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन नॉट से दैट वी विल नेवर जज, वी विल नेवर मेक इवैल्यूएशंस, वी विल डू। नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे, जजमेंट्स भी आएंगे, इवैल्यूएशंस भी करेंगे, बट अपने आप को उस जजमेंट को भी जज करना अपने आप में एक और एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। सिंपली वी हैव टू बी वॉचफुल कि हमारे क्या इमोशंस हैं और क्या थॉट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट वी वांट टू चेंज। सो दिस इज अ वेरी कॉन्शियस प्रैक्टिस दैट कैन हेल्प अस। एक और स्किल है दैट इज वी हैव टू वर्क वन माइंडफुली, मीन्स कि एक समय पे एक काम करना। आज जो हमारी टेक्नोलॉजिकली वाली सोसाइटी है उसमें बहुत सारी मल्टीटास्किंग करते हैं, जो फीमेल्स जो जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं, बहुत सारी वर्क लाइफ बैलेंस की प्रॉब्लम्स आती हैं, सोशल लाइफ, कैरियर लाइफ, फैमिली लाइफ, तो बहुत सारी चीजें, बट ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम हर समय ऐसा कर पाए कि एक समय पे एक काम, क्योंकि हम वो अब उस दौर से गुजर चुके हैं कि हमारी बहुत फास्ट पेस सोसाइटी है, ये होगा ही होगा। वी हैव टू एक्सेप्ट
कि ऐसा होगा कि हम माइंडलेस होंगे, बट हाउ वी कैन कम बैक, हाउ वी कैन कम बैक टू अवर ओन माइंडफुल स्टेट. पूरे दिन में कुछ समय तो ऐसा हो जब हम माइंडफुल हों अपने लिए, क्योंकि माइंडलेस होने पे हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, हमारे सेल्फ से जो है डिवेलुएट हो रहा है, हमारे पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, खुद के लिए समय नहीं है. सो क्या करें, वी हैव टू रिवर्ट अवर सेल्फ, वी हैव टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट फॉर सम टाइम टू लिव लाइफ फुल्ली. कुछ समय ऐसा हो जिसमें कि हम फील करें, इंजॉय करें चीजों को, और एक समय पे एक चीज करें, सेल्फ के लिए समय निकालें. बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो मन में आएंगे, इधर उधर मन भागेगा, लेकिन कैसे उसको वापस खींच के लाना है, कैसे हम उसको कॉन्सेंट्रेट करें अपने माइंड को, दैट इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज माइंड इज द सोर्स. माइंड जैसा आपको, जिस तरह से आप माइंड को मैनेज करेंगे उसी तरह से आपकी लाइफ भी होगी. एक और स्किल है, दैट इज यू हैव टू क्वेश्चन हाउ इफेक्टिव योर रिएक्शंस आर. अगर आपको पता है कि आपके लाइफ के ये गोल्स हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं क्या वो आपके गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव हैं? अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, तो वेदर एक्सप्रेसिंग दोज अग्रेसिव वर्ड्स, वेदर स्पीकिंग दोज हार्श वर्ड्स विल सर्व द पर्पस, क्या वो इफेक्टिव होगा? अगर आपके अंदर बहुत एंग्जाइटी है, तो क्या आप अब से अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे? तो आपको करना क्या है, यू हैव टू बी असर्टेन व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट आर योर रूल्स. अगर आप अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, तो अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो इफेक्टिवली इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हैं? तो इज इट इफेक्टिव, व्हाट एवर वी आर डूइंग, व्हाट एवर वी आर फीलिंग, व्हाट एवर वी आर सेइंग, इज इट इफेक्टिव इन अचीविंग अवर गोल? क्योंकि अक्सर हम विलफुलनेस अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, अपने मूड से काम कर रहे हैं, काम करते हैं, बट वी डोंट थिंक वेदर इट इज इफेक्टिव इन अचीविंग अवर गोल, वेदर वी आर मेकिंग अवर वाइज चॉइसेस. तो देर इज अ नीड टू रिफ्लेक्ट अपॉन फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, इज इट इफेक्टिव, व्हाट वी आर फीलिंग, इज इट इफेक्टिव, एंड व्हाट आर अवर गोल्स, कैसे हम उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे. तो हमें माइंडफुल होना है अपने इमोशंस के लिए, जो हम खा रहे हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं उसके लिए, हमारे अपनी सांस के लिए, बिकॉज ब्रेथ इज द सोर्स ऑफ अवर लाइफ. तो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ अवर ब्रेथ ऑल्सो, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं. तो वी हैव टू बी माइंडफुल क्या चीज हम कर रहे हैं लाइफ में, एंड वेदर इट इज इफेक्टिव इन अचीविंग अवर गोल्स और नॉट. जब हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात करते हैं, तो there are various many many researches which prove that people who does mindfulness meditation, they develop insight about their own mental processes, their level of consciousness is increased, they develop a self identity and a level of well being enhances, they develop stress hardiness and the sense of coherence, empathy badhti hai, decision making, anxiety depression kam hota hai, पॉजिटिव इमोशंस में इन्हेंसमेंट होता है, मूड डिस्टर्बेंसेस कम होते हैं, ट्रस्ट डेवलप होती है, कनेक्टेडनेस विद डिवाइन, एंड सम स्टडीज प्रूव दैट द पेरेंटिंग स्किल्स आर आल्सो डेवलप. और अभी मैं सुन रही थी सर एम के सक्सेना सर को, जो बहुत पेरेंटिंग की बात सर इम्फेसाइज करते हैं कि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, और इनफैक्ट पेरेंट्स भी कहीं ये समझ नहीं पाते कि बच्चों को कैसे हैंडल करें. तो सबसे पहले जरूरी है कि वो सेल्फ को से कनेक्ट करें, दे हैव टू कनेक्ट देमसेल्फ विद देयर ओन सेल्फ. और जब वो खुद माइंडफुल होंगे अपने थॉट्स इमोशंस के प्रति, ओनली देन दे विल बी एबल टू गिव दोज क्वालिटीज टू देयर वार्स, देयर अपने बच्चों में वो चीजें पास ऑन कर पाएंगे. तो ये रिसर्चेस भी बताती हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो है वो मेटर्नल इंसाइटफुलनेस भी बढ़ाती है और पेरेंटिंग स्किल्स को भी इनहेंस करती है. जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को लेना है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, और इस बात को जो इवन सर्जन है डेविड शेटर यूएस के, उन्होंने इस बात को बताया है कि जो मेंटल हेल्थ में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर क्या होगा, ये कल्चर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है. कोपिंग स्टाइल कैसी होगी, सोशल सपोर्ट कितनी मिलेगी, कितना मेंटल इलनेस से स्टिग्मा अटैच होगा, कैसे हमारी कैरेक्टर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस होगी, तो ये सारी चीजें हमारी कल्चर से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती हैं. और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को इस कल्चरल डाइवर्सिटी को अपनी ट्रीटमेंट सेटिंग में लाना होगा.
क्योंकि हम जिस कल्चरल रूट से आए हैं, अगर हम उस रूट से कनेक्ट होते हैं तो हम ज्यादा फ्लरिश करते हैं और हमारी लाइफ में ज्यादा अच्छी मेंटल हेल्थ का लेवल अचीव होता है. क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो ईस्टर्न मेडिसिन है और वेस्टर्न मेडिसिन है और ट्रीटमेंट का तरीका, उसमें बहुत डिफरेंस है. जो वेस्टर्न मॉडल है वो एक तरह से डेफिसिट बेस्ड मॉडल रहा. क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में वी इंडल्ज इन आइडेंटिफाइंग द बीमारियां क्या हैं, इलनेस का पूरा DSM और ICD-10 डेवलप हुआ, लेकिन उसमें इतना उलझ के रह गई क्लिनिकल प्रैक्टिस की हम डेफिसिट ही देखते रहे. अब रिसेंटली जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव का, जिसमें कि मैनुअल ऑफ स्ट्रेंथ भी डेवलप हुआ, और उसमें ये माना जाता है कि जो अगर हम स्ट्रेंथ्स को डेवलप करते हैं तो हम मेंटल हेल्थ को बेहतर तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं. और देयर शुड बी सिमिलैरिटी ऑफ द क्लिनिकल बैकग्राउंड ऑफ द क्लिनिशियन एंड द क्लाइंट टू प्रोवाइड इफेक्टिव केयर. ऑफ कोर्स इट कम्स विद प्रैक्टिस. कुछ क्लिनिशियंस जो डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से भी हैं वो भी बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हैं. और अब जो हमारे कल्चर को लेके मॉडल बने हैं, ना तो वो इस बात को फोकस करते हैं कि कुछ खास तरह के लोग ज्यादा अच्छी मेंटल हेल्थ रख सकते हैं, कुछ जीन्स में होती है मेंटल हेल्थ या किसी कल्चर में होती है मेंटल हेल्थ, या किसी चीज में कोई कल्चर आगे कुछ कल्चर पीछे होती हैं. हमारा एक पर्सपेक्टिव ये है कि हर कल्चर यूनिक होती है एंड वी हैव टू फोकस ऑन द यूनिकनेस ऑफ दैट कल्चर. एंड द यूनिकनेस ऑफ अवर कल्चर इज स्पिरिचुअलिटी एंड द माइंडफुलनेस. और जो हमारी एक कल्चरल रूट्स हैं हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो हमारा जो मेंटल इलनेस के प्रति एटीट्यूड है वो एकदम चेंज हो जाता है. जबकि मेंटल इलनेस को एक मैनिफेस्टेशन ऑफ सर्टेन सिम्टम्स सिंड्रोम्स माना जाता है, लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ को एक कंटिन्यूअम की तरह देखते हैं. और वो ये मानते हैं कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, हेट्रेड, जेलसी, ये सारी चीजें जो है हर व्यक्ति में आती हैं कभी ना कभी, सुना द लेटर, किसी में कम किसी में ज्यादा. तो हम सब वेरी करते हैं उस कॉन्टिन्यूम पे. हमें देखना है कि कैसे हम उस कॉन्टिन्यूम में आगे बढ़े ना कि पीछे. तो एवरीबडी हैज हिज और हर ओन जर्नी ऑफ लाइफ. उस जर्नी को हमें समझना होगा और वी हैव टू नर्चर दैट जर्नी. वी हैव टू मोटिवेट द पर्सन टू मूव ऑन देयर जर्नी टू अचीव द कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ. And this is a model of complete mental health given by Keyes and Lopez, जिन्होंने mental health को दो domains में समझाया है, जिसमें कि high mental illness symptom और low mental illness symptom का एक continuum है, और दूसरा continuum high subjective well-being और low subjective well-being का है. इसमें ये माना गया है कि अगर mental illness किसी person में है, उसमें कुछ symptoms हैं, तो उसमें ऐसा नहीं कि सारे बीमारियां ही हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ level का well-being भी होगा. तो वी हैव टू असेस अ क्लाइंट नॉट ओनली द हिज और हर इलनेस सिम्टम्स बट ऑल्सो द लेवल ऑफ हिज और हर सब्जेक्टिव वेलबींग. इट मे बी लो बट देयर इज लेवल ऑफ वेलबींग ऑल्सो. तो अगर हाई लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग है और हाई लेवल ऑफ मेंटल इलनेस सिम्टम्स भी है, इसका मतलब यह कि कोई व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है. उसमें मेंटल इलनेस तो है बट इट इज इनकम्प्लीट मेंटल इलनेस, क्योंकि वो किसी तरह से अपनी वेलबींग पे कोशिश कर रहा है, अपनी वेलबींग को बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है. अगर किसी में हाई मेंटल इलनेस सिम्टम्स हैं और लो सब्जेक्टिव वेलबींग है, तो इसका मतलब वो फ्लाउंडर कर रहा है, उसमें कंप्लीट मेंटल इलनेस है. अगर किसी व्यक्ति में लो सब्जेक्टिव वेलबींग है और लो मेंटल इलनेस सिम्टम है, तो वो इनकम्प्लीट मेंटल हेल्थ है. और इसके अगेंस्ट अगर हाई सब्जेक्टिव वेलबींग और लो मेंटल इलनेस के सिम्टम्स हैं, तो वो फ्लरिश कर रहा है लाइफ में, कंप्लीट मेंटल हेल्थ है. तो विद द हेल्प ऑफ अवर इंडियन पैराडाइम ऑफ माइंडफुलनेस, वी कैन टेक ए पर्सन फॉरवर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मेंटल हेल्थ टुवर्ड्स फ्लरिशिंग. क्योंकि वो एक रास्ता बताता है कि आप किसी भी मोमेंट में अगर आप उसमें जीना शुरू कर दें, उसमें नया नया जो हो रहा है, चेंजेस जो हो रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, नॉट जजमेंटल हो जाएं और चीजों को एक्सेप्ट करने लगे, तो यू कैन चेंज योर लाइफ, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. हमारी जो कल्चर है वो ट्रांसेंडेंस की कल्चर है, एक उदात्तीकरण की कल्चर है कि हाउ वी कैन लीड ए लाइफ दैट इज अ जर्नी फ्रॉम अन्नमय कोश टू आनंदमय कोश. हम सब एक यात्रा पर हैं जो कि अन्नमय कोश से प्रारंभ होती है, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर ज्ञान और विज्ञानमय कोश. तो हम सब उस यात्रा पे हैं, और कैसे हम उस यात्रा में
अपना साथ दें सबसे पहले खुद का, क्योंकि अगर खुद से नहीं जुड़ेंगे तो हम दूसरों से भी नहीं जुड़ पाएंगे, और किस तरह हम दूसरों को उससे कनेक्ट करें। तो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ मेंटल हेल्थ, और माइंडफुल को जो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो सब्जेक्टिव वेलबींग के रूप में जानते हैं, और एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करते हैं जो कि प्रिवेंटिव है। और उस प्रिवेंटिव मॉडल में ये कोशिश की जाती है कि कैसे हम लोगों को सेवरिंग सिखाएं, यानी कि उनके पॉजिटिव इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा हम इन्हेंस करें और उनकी फंक्शनिंग को भी इन्हेंस करें। तो इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम अपने पर ध्यान दें, अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक बने, सचेत बने, और किस तरह से हम अपनी फंक्शनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं डे टू डे लाइफ में, इस पर हम फोकस करें। इसके लिए जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम क्वेश्चन करें अपने आप को कि कितने हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, क्या हम अच्छी स्पिरिट्स में हैं, क्या हम हैप्पी हैं, क्या हम पीसफुल हैं, क्या हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी है, क्या हम खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्या हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी लाइफ में पर्पस क्या है, हमने अपने एनवायरमेंट में हम कितना अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, कितना हम अच्छे डिसीजन ले पा रहे हैं, हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, समाज में जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं उनके प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अपने आप को समाज को समष्टि को कितना जोड़ पा रहे हैं, और कितना जोड़ करके हम अपनी कम्युनिटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिकॉज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ इज टू कंट्रीब्यूट टू योर कम्युनिटी, नॉट ओनली टू योर ओन सेल्फ। तो जितना ज्यादा आपका सेल्फ का विस्तार होता है उतना ही आप कंट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं कि आप किस तरह से दूसरों को कंट्रीब्यूट करें। तो हम लगातार इस प्रश्न को पूछें, क्योंकि हम जब माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन की बात मैंने की, लेकिन सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहला कंट्रीब्यूशन ये है कि आप अपने आप को जाने, खुद को जाने, क्योंकि आप क्या हैं, कौन हैं, किस लिए इस दुनिया में आए हैं, आपके जीवन का पर्पस क्या है। जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप दूसरों के लिए भी नहीं कुछ कर पाएंगे। हालांकि ये बड़ा मुश्किल है, ये बताना शब्दों में संभव नहीं है कि हम कौन है, शायद इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और उस एक्सपीरियंस के लिए माइंडफुलनेस से अच्छी कोई प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं, या तो मेडिटेशन करते हैं या डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं किसी भी तरह से, तो आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि दूसरे लोग आपकी कमियां जरूर बताएंगे, आपके साथ क्या गलत है वो बताएंगे, लेकिन आपके अंदर क्या सही है, आप क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ये आप खुद स्वयं जानेंगे। और जब आप अपनी सेल्फ नॉलेज में आते हैं तो लाइफ में एक आनंद आता है, एक खुशी आती है, और एक लाइफ जो है एक म्यूजिक की तरह होती है, जैसे कि एक म्यूजिक में ऑर्केस्ट्रा होता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो साथ बजते हैं तो एक लिरिक्स बनते हैं। तो हम अपनी वेवलेंथ को समझते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसके साथ ही आप खुद पे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया, और बॉडी इज अ लेबोरेटरी, सबसे पहले आपकी बॉडी बताती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, आपको पैल्पिटेशन हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, तो आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व करें और अपने माइंडफुलनेस से आप देखें कि आप कैसे अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या सीखा कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित थी, एनर्जी बनाई, इलेक्ट्रिसिटी बनाई, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, कनेक्ट होना, सब हमने सीख लिया, बिल्डिंग्स बनी, आपके ब्रिजेस बने, मेट्रो चली, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन बिहेवियर की क्या टेक्नोलॉजी है, ये हम अगर हम सीख पाते हैं तो हम अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, और माइंडफुलनेस से ही ऐसा संभव है। हम लोगों ने मनोविज्ञान विभाग, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें हमने एक हैप्पी थिंकिंग लैबोरेटरी एस्टेब्लिश की है, जिसमें हम थोड़ा साइंटिफिक तरह से स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो होलिस्टिक हेल्थ है उसका क्या स्टेटस है, फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी है, और जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपके बॉडी में क्या चेंजेस हो रखे हैं। कुछ हमने इसमें इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, बायो फीडबैक एंड बायो वेल, जो कि पूरा होलिस्टिक व्यू देता है, आपके बॉडी में जो चक्रास का स्टेटस है वो भी बताता है, बॉडी ऑर्गेन्स में कितनी एनर्जी है वो बहुत ही एक क्विकली और बहुत ही एक कम समय में पूरी पिक्चर दे देता है। इट इज अटैच विद रशियन टेक्नोलॉजी, तो स्टूडेंट्स बहुत ही इसको इंजॉय करते हैं और अपने बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। फिर साथ में हमने एक साइलेंस रूम भी रखा है, जिसमें कि
बच्चे मेडिटेशन भी कर सकते हैं विद इंस्ट्रक्शंस और विदाउट इंस्ट्रक्शंस. कुछ अच्छी अच्छी हमने पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए कुछ अच्छी मोटिवेटिंग पिक्चर्स भी लगाई हैं, अच्छी बुक्स भी रखी हैं, कुछ ग्रीन जोन भी बनाया जिसमें ग्रीन प्लांट्स वगैरह हैं. तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है कि जहाँ पर बच्चे खुश होके जाएं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ बहुत बड़ा स्टिग्मा जुड़ा है. अगर हम इसका नाम रखते हैं मेंटल हेल्थ क्लिनिक, तो जहां मेंटल वर्ड जुड़ता है वहां पर लोग समझते हैं कि मतलब कुछ गड़बड़ है क्या, हम पागल वागल हैं क्या. लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं कि मैम इसको यहाँ बैठाइए, इसको जरूरत है काउंसलिंग की. तो वो एक मतलब एक एटमोसफियर ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की है कि जो एक मेंटल हेल्थ का जो स्टिग्मा है वो खत्म हो. और ये चूंकि यंग एडल्ट है, बच्चे हैं, तो दे कैन लर्न की वॉट एक्चुअली लाइफ में जरूरी क्या चीजें हैं. और जो एक इनर रिदम है, जो एक स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन फोर्स है, पावर है, डिवाइन पावर है जो कि पूरी यूनिवर्स में है, और उससे हम कनेक्ट करते हैं. और जब तक कनेक्ट करते हैं तो बहुत शायद देर हो चुकी होती है. और अक्सर ये कहते हैं कि ये क्या स्पिरिचुअलिटी, बूढ़े लोगों का काम है मेडिटेशन, ये सब बूढ़े लोगों का काम है. लेकिन इनफैक्ट जरूरत तो तब है जब आपके पास एनर्जी है करने की, यंग एनर्जी है. हालांकि कुछ लोग उम्र का अपवाद है, मेरे सामने मेरे गुरु लोग बैठे हैं, मैं जानती हूँ कि आगे उम्र का कोई वो नहीं है. आप इतने यूथफुल हैं कि आपके सामने यूथ भी शर्मा जाए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. बट हमारा यूथ वास्तव में बहुत भटकाव की स्थिति में है. बहुत बच्चे आते हैं और अपनी छोटी छोटी समस्याएं उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और वो मतलब सुसाइड तक के अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं. तो ये छोटे प्रयास से हम देख सकते हैं कि अगर हम माइंडफुल हों और हम जो एक लाइफ फोर्स या जो डिवाइन फोर्स है उससे कनेक्ट करने की बात कहें, क्योंकि हमारी जिंदगी हमें कनेक्टेडनेस का संदेश देती है. हमारी बॉडी के जितने भी अरबों खरबों सेल्स हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं. कहीं एक बॉडी पार्ट में कुछ भी होता है पूरे शरीर को आपको पता चलता है कि हमारी बॉडी में ये हो रहा है, सारा ध्यान वहीं जाता है. तो हमारे सारे सेल्स कनेक्टेड हैं. सिमिलरली ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड, ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो कनेक्टेड. उनके अंदर जो एक डिवाइन कंटेंट है वो कहीं कनेक्ट है. तो इंटरपर्सनल कनेक्शंस अच्छे होंगे व्हेन वी विल कनेक्ट विद अवर डिवाइन सोल्स और दैट डिवाइन एनर्जी, क्योंकि हमें रिचार्ज करना है खुद को. जो भी जैसे कि मोबाइल डिस्चार्ज होता है, वी रिचार्ज इट, बट वी डोंट रिचार्ज अवर ओन सेल्फ. तो हाउ वी कैन रिचार्ज अवर ओन सेल्फ, एंड वी विद द हेल्प ऑफ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, वी कैन कनेक्ट विद दैट इनर वेवलेंथ एंड कनेक्ट विद द डिवाइन फोर्स एंड मेक अवर लाइफ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. बिकॉज हमारी लाइफ अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है. वट एवर वी आर टुडे, हमने भी बहुत स्ट्रगल किया और आज हम सक्सेसफुल हुए हैं. कोई भी व्यक्ति जो भी लाइफ जी रहा है वो एक सक्सेस स्टोरी है उसकी. और जो हमारी सांस है ये उसका एग्जांपल है, उसका एक ब्लेसिंग है गॉड का जो हमारे पास है. और ये हमारी जब हम उस सोर्स से कनेक्ट होते हैं तो वो डिवाइन एनर्जी हमारे अंदर आती है. और वो छोटी छोटी चीजों से भी आ सकती है, जैसे ग्रेटफुलनेस से, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने से, माइंड की क्लैरिटी से. और जब हम क्लियर नहीं होते तो हम कहीं माइंडलेस हो रहे होते हैं, कंफ्यूज हो रहे होते हैं. एंड वी नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन अवर लाइफ, क्योंकि लाइफ में बहुत चैलेंज है, वी हैव टू फेस बहुत सारे एडवेंचर हैं. हमें साहस से काम लेना है, दुख भी है उनको एक्सेप्ट करना है, ट्रेजिडी है उनको चैलेंज करना है, अपनी ड्यूटी को बेयर करना है, प्ले करना है, एंजॉय करना है. लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका हमें इस्तेमाल करना है. बहुत सारे सपने हैं जिनको हमें जीना है, क्योंकि एक जीवन मिला है बहुत समय के बाद, शायद कितने जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिला है. तो वी हैव टू लिव इट, वी हैव टू कीप द प्रोमिस टू द डिवाइन फोर्स दैट वी आर हेयर टू रिफ्लेक्ट योर एनर्जी टू अदर्स. So we are the medium through which we can give our energy to other people. So there are much which has to be done, and through mindfulness we can enhance the level of our own mental health, not only our own mental health but also the mental health of other people who are around us. So this is my deliberation of this session, and thank you so much for patient listening. Thank you, sir. Thank you very much. Somatic mass, very comprehensive manner. Now the session is for observation. Anybody wants to any observation,
प्लीज। मैं है सर ना कि हाँ सर जस्ट सम वर्ड्स ऑफ थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड फॉर ब्रिंगिंग द लेबोरेटरी आउट ऑफ द लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस एंड ब्रिंगिंग इट ऑनलाइन। तो सर ऑनलाइन इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑफलाइन, इट्स नेवर एवर सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑफलाइन मीटिंग। वो सही बात है, लेकिन रीच तो बढ़ा देता है ना। हम लखनऊ कब आएंगे और किस समय आएंगे और आपकी लेबोरेटरी खुली रहेगी कि बंद रहेगी उस दिन? नहीं सर, वो आपके लिए खुल जाएगी, आप जब भी आएंगे हम खुल लैब आपके लिए खुली मिलेगी। तो आप बस इन्फॉर्म करिएगा। हाँ, वो लगातार आपके वो मैसेज हम लोग देखते रहते हैं, माइंडफुल लेबोरेटरी, हैप्पीनेस लेबोरेटरी पर जो कुछ हो रहा होता है, और बड़ा उम्मीद से बनती है। और इस वर्चुअल सीरीज के दौरान मैं जबरदस्ती हर दिन ही 2-4 मिनट समय रामजी लाल साहब से छीनता रहता हूं और पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करता रहता हूं। आप लंबे समय से पॉजिटिव साइकोलॉजी में काम कर रही, मैंने बहुत छोटे समय से अभी जस्ट समझ ले कि कोविड पीरियड का बाई प्रोडक्ट है मेरे लिए। और ये बात सही है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी अब जा करके इंडियन साइकोलॉजी को जीवित करती है। जो कुछ हम सदियों से कहते चले आ रहे थे, क्षमा, दया, करुणा, कृतज्ञता और प्रेम का जो अर्थ हमारे यहाँ था, प्राणी मात्र से प्रेम, जिसे कि बरबरा अपनी बुक में लव 2.0 में अभी हाल में डिस्क्राइब कर रही हैं, वो लव 2.0 कह रही हैं, लेकिन मुझे वो अर्थ वही समझ में आता है कि जो हम कहते आए हैं कि मानव मात्र से प्रेम। बहुत ही तकलीफ देह है कि हम लोगों की पूरी जनरेशन, कमिंग जनरेशन, ये आजकल हर तरफ से इल बिहेवियर में के दौर में चली गई है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर तरह की वेलबींग की प्रॉब्लम है। और आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कैसे मेडिटेशन के थ्रू ये सभी तरह की वेलबींग को हम अचीव कर सकते हैं। सो इट वॉज नॉट एन ऑब्जर्वेशन, जस्ट आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड अगेन एंड अगेन एंड होप दैट वी विल। एक रिक्वेस्ट है कि जो आपका ये पावर पॉइंट है, अगर इसे आप शेयर कर देंगी तो बार बार इसे देखने में, वैसे तो ये लाइव मिलेगा फेसबुक पर, लेकिन सुनने के बजाय हम लोगों को पढ़ने में, बार बार उसको रिवाइज करने में अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हों उनको पॉजिटिव साइकोलॉजी के माध्यम से मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, एवरी डे जो जितना हेल्प कर सके कर सके। लेकिन आपका अगर वो रेडीमेड पावर पॉइंट अवेलेबल हो जाएगा सीपीआई ग्रुप में तो उसका बेहतर यूज कर सकेंगे फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, और आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का, तो बहुत अच्छा लगा। और रामजी लाल सर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आके और इस मीटिंग को ज्वाइन किया, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे ख्याल से आप शेयर करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग रोजाना की अवेलेबल हो रही है फेसबुक में पायस विजन के अंदर। सर उसमें यूट्यूब में भी अवेलेबल है सर, CPAI का जो अपना यूट्यूब चैनल है उसमें भी अवेलेबल है रिकॉर्डिंग। थैंक यू। जरूर सर, मैं सक्सेना सर से और रामजीलाल सर से भी थोड़ा फीडबैक जरूर लेना चाहूंगी कि मैंने क्या बताया और सही बताया, क्या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सर आपका फीडबैक और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं सर आपके दो शब्दों में आपसे भी सुनना चाहूंगी कि मुझे क्या और करना चाहिए, क्या किस तरह से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जरूर आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे।
सुना सर, हेलो जी, हाँ सर रामविलाल जी आप बोलिए, फिर बाद में हम बोलेंगे। अच्छा अच्छा नहीं नहीं बहुत ठीक सर, हम बोल लेते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से ये बात रखी माइंडफुलनेस की, और हम तो बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि जो हमारी पास्ट की जो धरोहर थी उसको खत्म होता गया है, और ये बुद्ध का की जो टीचिंग्स है ये बहुत अच्छे की है, और लेकिन अपने यहाँ इन टीचिंग्स का कोई महत्व नहीं दिया गया। जब विदेशी लोगों ने जब इसकी इनकी टीचिंग्स को अंग्रेजी में अनुवाद करके और जब ये बातें रखी तब हम लोगों ने समझा कि नहीं है बहुत महत्वपूर्ण है, तो लेकिन फिर भी गहराए दुरुस्त है। फिर अभी भी जो है बुद्ध के उपदेशों को आप मिला रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और खास तौर से माइंडफुलनेस बनाने के लिए विपश्यना जो एक टेक्निक है, उस विपश्यना टेक्निक के द्वारा हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात है कि फिर से बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को एमर्ज होने का मौका मिलना है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को रेखांकित किया। तो ये भी जब आपको कुछ कहने थी प्रोफेसर सक्सेना साहब, आप कुछ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, सारी बातें उन्होंने सागर में गागर, गागर में सागर, यानी सब चीज उसमें कंपाइल कर ली। और पॉजिटिव साइकोलॉजी हम बार बार जो कहते हैं कि ये जो भी पॉजिटिव साइकोलॉजी की ट्रेट्स बताए प्रोफेसर प्रधान ने, जैसे कंपैशन वगैरह और ये सब, ये बेस्ट डेवलप होते हैं थ्रू पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड पॉजिटिव स्कूलिंग, जो मैं बार बार कहता हूँ कैसल मॉडल से, कोलोबरेटिव एकेडमिक सोशल इमोशनल लर्निंग से। और सोशल इमोशनल लर्निंग की आपने बात की, एक बहुत अच्छी बात आपने जो कही कि जो सेल्फ अवेयरनेस है, इसके लिए एक टर्म आया स्वॉट एनालिसिस, SWOT। One should understand his strengths, weaknesses, opportunities and threats. क्या उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, क्या threats है, क्या strength है, क्या weaknesses है। तो SWOT analysis एक बहुत ही सही चीज है जो आपने भी दूसरे terms में कही है। और माइंडफुलनेस और मेंटल हेल्थ का एक रिलेशनशिप है। एक बात मैं जरूर आज ऐड करना चाहूंगा इससे अलग, राय साहब ने भी कहा और सब लोग कहते हैं कि हमारे कल्चर में ये चीजें थी, दया धर्म कंपैशन ये सब था, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं था। जिस समाज में डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां पे कंपैशन कैसे आएगा, हमारी कथनियों करने में कितना अंतर रहा है। हम कहते रहे कि हम कर्म प्रधान हैं और करने हमारी थी जन्म प्रधानता की। हम अपना कंपैशन कैसे दिखाते थे कि जाटों को जाटों के गांव से दूल्हे को डोली पे या कार में नहीं जाना, ये हमारा कंपैशन था प्रैक्टिस में। तो जो लोग जब कंपैशन की दया धर्म की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि आप कितने हिपोक्रेट हैं। क्या यही हमारा दया धर्म था, क्या मंदिर में उनको जाने से रोकें? मैंने अपने रिसर्च में 10 गांव का अध्ययन किया था
जो सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एक ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि एक्सेप्टेंस हर एक की नीड है, और हमने कंपैशन, व्याधर्म, ये सब इनके नाम पे हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, लोगों को सताया। तो ये हम केवल थ्योरी में ना लें, प्रैक्टिस में ये आए, जब अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी, जो आज की पॉजिटिव साइकोलॉजी है जिसमें हिपोक्रेसी नहीं है, जो साइकोलॉजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग और इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, उसको हमें अपनाना चाहिए। और पास्ट से जोड़ेंगे तो मुझे तो कष्ट होता है, क्योंकि पास्ट में जो हमारी ये जो वैल्यू सिस्टम है, ये कितने सालों से, करीब 2500-3000 साल से, और जो माइंडफुलनेस और विपासना, जो गौतम बुद्ध की जो थ्योरी आई, बुद्धिज्म कोई अलग धर्म नहीं था, दैट वाज ए रिवोल्ट अगेंस्ट एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम हमारे देश का। तो ये है, तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमें, हम खाली भाषण में ये ना कहें, हम बहुत देखते हैं कि इंडिजिनस साइकोलॉजी में भी लेक्चर्स होते हैं और लोग दया धर्म की बात करते हैं, ये दया धर्म नहीं है। हम बहुत हिपोक्रेट रहे हैं, हमारी कथनी और करनी में बहुत अंतर रहा है। और ये जो है, अगर रियल पॉजिटिव साइकोलॉजी, जैसा अभी मधुरमा जी का जो लेक्चर है, इसको हम प्रैक्टिस करें भूलते हुए, और ये कहते हुए कि हमारी एक कल्चर में था लेकिन लुप्त हो गया था, इसका हमें रिवाइवल की जरूरत है। तो मैं पुनः मधुरमा जी को बहुत धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बहुत ही कम समय में, 45 मिनट का समय था, उन्होंने 45 मिनट में ही एक तरह से समाप्त करके, और सारी बातें जितने सैलिएंट फीचर्स थे माइंडफुलनेस और मेंटल हेल्थ के, सब को समाविष्ट किया। आप बधाई की पात्र हैं, और आज अंतिम दिन है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पेपर, आज लास्ट डे है, लेकिन आपका यूजफुल टॉक है, और अभी राय साहब ने कहा कि अगर इसकी पीपीटी शेयर हो जाएगी तो हम लोग उसको बार बार पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। जरूर सर, आई विल शेयर इट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, नमस्कार। थैंक यू सर।